हे दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। तो 16 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट होने वाली है, जहां पे आपको स्मार्टफोन पे कुछ क्रेजी डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में आपको 10 बेस्ट स्मार्टफोन बताऊंगा जहां पे हमें काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेना चाहते थे तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड है तो आपको 10% और डिस्काउंट देखने को मिलेगा, विच इज क्रेजी। अगर यहां पे शुरुआत करें पोको M2 प्रो से, ये स्मार्टफोन 14,000 रुपए में इंडिया में लॉन्च हुआ था, जो कि सेल पे आपको 13,000 रुपए में देखने को मिलेगा। और अगर आपके पास SBI का क्रेडिट डेबिट कार्ड है तो आपको 10% और डिस्काउंट देखने को मिलेगा, यानी कि जो इसका इफेक्टिव प्राइस रहने वाला है वो है 11,700 समथिंग। और उसके हिसाब से ये काफी कमाल की डील है, जहां पे आपको स्नैपड्रैगन 720G 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। LG G8X, ये स्मार्टफोन 55,000 रुपए का, जो कि आपको सेल पे सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए में देखने को मिलेगा। और अगेन, अगर आपके पास SBI का क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड है तो आपको 10% और डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो इसका इफेक्टिव प्राइस रहेगा वो अराउंड 18,500 रुपए रहने वाला है। और उसके हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट डील होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें काफी तगड़े फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे डुअल डिस्प्ले होने वाली है, फ्लैगशिप फीचर्स हैं, तो नो डाउट मेरे हिसाब से LG G8X वन ऑफ द बेस्ट डील होने वाली है। बट याद रखें, जो इसके यूनिट होंगे वो बहुत ही कम होने वाले हैं। अगर आपको ये डील क्रैक करनी है तो आपको जल्दी से जाके फोन को ऑर्डर करना होगा। आई थिंक 10-20 सेकंड तक रहने वाली है डील, उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। Realme X3, ये स्मार्टफोन 25,000 रुपए में इंडिया में लॉन्च हुआ था, जहां पे आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि सेल पे आपको 22,000 रुपए का देखने को मिलेगा। अगेन, अगर आपके पास SBI का कार्ड है तो आपको ये स्मार्टफोन अराउंड 20,500 रुपए का देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी डील है, क्योंकि यहां पे हमें अच्छे खासे फ्लैगशिप फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप Realme के फैन है तो आप Realme X3 चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी डील है। Samsung F41, ये स्मार्टफोन रिसेंटली आई थिंक कल ही लॉन्च हुआ है 8 अक्टूबर को, जो कि सेल पे आपको 15,500 रुपए का देखने को मिलेगा। वैसे जो इसका प्राइस है वो है 17,000 रुपए। अगर आपके पास SBI का कार्ड है तो ये स्मार्टफोन आपको अराउंड 14,000 देखने को मिल जाएगा। तो अंडर 15,000 F41 एक अच्छा स्मार्टफोन है, जहां पे हमें काफी कमाल के कैमरास देखने को मिल जाएंगे, बैटरी काफी अच्छी है और यहाँ पे हमें 15 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। तो F41 अंडर 15,000 वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से। मोटो वन फ्यूजन प्लस, ये स्मार्टफोन इंडिया में 17,500 रुपए में लॉन्च हुआ था, जो कि आपको सेल पे 16,000 रुपए में देखने को मिलेगा। SBI कार्ड के थ्रू ये स्मार्टफोन आपको 14,500 रुपए के समथिंग देखने को मिलने वाला है। तो अंडर 15,000 ये भी मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, जहां पे आपको स्नैपड्रैगन 730G वाला प्रोसेसर और एकदम स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड के फैन है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप मोटो वन फ्यूजन प्लस परचेज कर सकते हैं इस सेल पे, जो कि काफी अच्छी डील है। सैमसंग A50s, थोड़ा सा पुराना स्मार्टफोन है, जो कि इंडिया में 19,000 के आसपास लॉन्च हुआ था, सेल पे आपको 14,000 रुपए देखने को मिलेगा। और अगर आपके पास SBI का कार्ड है तो इस स्मार्टफोन आपको 12,500 रुपए समथिंग का देखने को मिलने वाला है। 12,500 रुपए में वो भी सैमसंग का स्मार्टफोन, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, क्वाड कैमरा सेटअप, एक्सिनोस 9611, भाई काफी क्रेजी डील है। अगर आपको सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए तो आप सैमसंग A50s ले सकते हैं, जो कि आपको 12,500 रुपए में मिलेगा। अगर आपका बजट बहुत ही कम है, लाइक 5-6 हजार है, तो आप Realme C11 परचेज कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन 7,500 रुपए में इंडिया में लॉन्च हुआ था, सेल के दौरान आपको 6,500 का देखने को मिलेगा। अगर आपके पास SBI का कार्ड है तो यहाँ पे आपको 10% और डिस्काउंट देखने को मिलेगा, यानी कि जो इसका प्राइस रहने वाला है वो आपको 6,000 के समथिंग देखने को मिल जाएगा। 6,000 रुपए में Realme C11 एक अच्छा स्मार्टफोन है, जहां पे आपको ड्यूल सेल्फी कैमरा, ड्यूल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, G35 वाला प्रोसेसर है, तो ऑल ओवर अच्छा स्मार्टफोन रहेगा। अगर आपका बजट 6,000 है तो आप Realme C11 को कंसीडर कर सकते हैं। iQOO 3 इंडिया में आई थिंक फेब के आसपास लॉन्च हुआ था 35,000 के प्राइस पॉइंट के साथ,
सेल पे आपको 30,000 रुपए का देखने को मिलेगा। एसबीआई कार्ड है तो आपको ये 28,500 का देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी डील है, क्योंकि 28,000 रुपए में आपको स्नैपड्रैगन 865 वाला प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जो कि काफी तगड़ा प्रोसेसर है। 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है आई थिंक, और यहाँ पे हमें 40 या फिर 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलती है। तो iQOO 3 भी एक अच्छी डील प्रोवाइड कर रहा है, अगर आपको फ्लैगशिप स्मार्टफोन चाहिए तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। Realme X50 Realme का फ्लैगशिप स्मार्टफोन थोड़ा सा पुराना है, इंडिया में 40,000 के प्राइस टैग के साथ लॉन्च हुआ था, आपको सेल पे 37,500 रुपए का देखने को मिल रहा है, और अगर आपके पास SBI का कार्ड है तो अगेन ये स्मार्टफोन आपको 35,000 के समथिंग देखने को मिल जाएगा, विच इज ग्रेट। Samsung S20 Plus जो कि वी ऑल नो एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है Samsung की तरफ से, इसी साल लॉन्च हुआ है, इंडिया में 78,000 के आसपास लॉन्च हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेल पे आपको 50,000 रुपए का देखने को मिलेगा। अगर SBI का कार्ड है तो 10% और कम कर लेना। तो मेरे हिसाब से Samsung S20 Plus भी आपको एक अच्छी डील प्रोवाइड कर रहा है, अगर आपको फ्लैगशिप स्मार्टफोन चाहिए था वो भी Samsung की तरफ से, तो ये बिल्कुल सही समय आप S20 Plus को परचेज कर सकते हैं। तो ये है मेरे टॉप 10 बेस्ट स्मार्टफोन जो कि आपको Flipkart पे बेस्ट डिस्काउंट पे देखने को मिल रहे हैं, क्रेजी डिस्काउंट्स देखने को मिल रहे हैं जिन पे, तो अगर आपको परचेज करने हैं स्मार्टफोन तो आप इनको Flipkart पे परचेज कर सकते हैं। आई थिंक मैंने आपकी काफी हेल्प कर दी है, आप भी वीडियो को लाइक करके हेल्प कर दें, वीडियो को शेयर कर सकते हो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।